और जहां तक मेरा सवाल है, तो मैंने तो उन्हें बता दिया कि उन्होंने कहा कि और मैं तो उधर में किसी का आदमी था, और हम लोग ये मानते थे कि कलेक्टर को अगर एक तमाचा मार दिया जाए तो साल भर की नेतागिरी, दो साल की नेतागिरी पक्की हो जाती थी, और ताके रहते थे कि किस कलेक्टर को मार देना है एक तमाचा है। ये हम लोगों का नहीं काम था, और अक्सर मौका मिल जाता था किसी कलेक्टर को काल पकड़ लेना, किसी को एक तमाचा मार देना, किसी को कमिश्नर को कुर्सी से सौंप देना, जितना है उपयोग नहीं करना। इसलिए तुम्हारा टेरर कायम है, लेकिन अब किसी कलेक्टर को मारना नहीं। एक फंस गया हाल आतिफ पहचान खान कौन था, तीन फंसे फंसी थी वो 2003 का चुनाव हुआ, मातुम भाई चले गए, शंकर मंत्री नहीं थे, पंचायत का चुनाव था, वो ऐसा झगड़ा फंसा कि हमको लगा कि वो केशव पांडे जी हमारे अध्यक्ष, तो लगा कि अब रनमा शुरू हो जाएगा, करीब करीब शुरू हो चुका था, हम खड़े हो गए थे, वो भी खड़ा हो गया था, हमारा हाथ इस तरह से। तो फिर पांडे जी का टेलीफोन आया, फिर पांडे जी ने माधु साहब को लगता है कहा होगा, माधु साहब का टेलीफोन आया, प्रभारी मंत्री का टेलीफोन आया, वो उमा शंकर गुप्ता था, तो माधु साहब ने कहा कि तुमने अभी शुरू बंद जो ट्रेनिंग लिया था वो खत्म कर दिया क्या, तब मैंने खत्म किए देते हैं। तो इस तरह से हमको तराशने में, मैं भाजपा का की रीत नीत और उसकी कार्य पद्धति में ढलूं, और जो ढल पाया उसका अगर मैं कहूं कि मेरे जीवन में दो महापुरुषों का है, यमुना प्रसाद शास्त्री जिनके सानिध्य में रहते, मैंने उच्च आदर्शों पर जीवन जीने का को प्रत्यक्ष रूप से देखा, वो प्रभाव जीवन में आज तक है, कभी वो उसमें गिरावट आई है मैं तो उसको स्वीकार करता हूं कि आज की परिस्थिति, अब आज जो शास्त्री जी जैसी निर्मलता मुझमें नहीं, गिरावट आई है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप उस विचारधारा को आगे बढ़ाकर बढ़ते हुए राजनीति करना है,